स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नमस्कार, मैं पल्लवी आप सभी का स्पोर्ट्स स्ट्रीट में स्वागत करती हूं। और अभी वर्ल्ड कप काफी नजदीक आ चुका है और हर कोई अपनी स्पेशल 15 पिक करने में लगा हुआ है, तो आज स्पोर्ट्स स्ट्रीट आप सभी को बताएगा कि उनकी इंडिविजुअली कौन सी स्पेशल 11 या फिर स्पेशल 15 है। तो शुरुआत करते हैं अनीशा से। देखिए, प्लेइंग 11 में आपको बताने वाली हूँ कि मेरे प्लेइंग 11 कौन से हैं। अगर ओपनर की बात करें तो शिखर धवन और रोहित शर्मा काफी अच्छी जोड़ी मानी जाती है इन दोनों की, और पिच पे काफी धमाल करते हैं ये दोनों। जी जी। और अगर मिडिल में बात करें तो विराट कोहली और धोनी, जिसपे यू नो पूरे स्टेडियम की निगाह टिकी होती है जब वो दोनों खेल रहे होते हैं मैदान में। और अगर ऑलराउंडर प्लेयर्स की बात करें तो केदार जाधव हो गए, हार्दिक पांडे हो गए और विजय शंकर, जो कि सबको पता है ऑलराउंडर है ही। और अगर स्पिनर की बात करें तो कुलदीप यादव, जो कि विराट कोहली के यू नो मेन वेपन माने जाते हैं। और बोलर जसप्रीत बुमराह, सबका वो पता ही है जसप्रीत बुमराह कितना अच्छा बोलर है। और मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार। तो ये थे मेरे प्लेइंग 11। ओके, तो अब आप बताइए शुभम, आपको क्या लगता है कौन होगा? तो पहले तो मैं बता देता हूँ, मुझे लग रहा है क्या 15 कौन सी हो सकती है। तो पहले ओपनिंग रोहित शर्मा, शिखर धवन, रिजर्व ओपनर मुझे लग रहा है केएल राहुल, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया आईपीएल में और जगह पक्की कर ली है, उनको तो टीम में रखा ही जाएगा 15 में एज अ रिजर्व ओपनर मुझे लग रहा है। नंबर 3 पर तो पता ही विराट कोहली आएंगे। नंबर 4 पर काफी डिबेट चल रही थी, काफी समय से डिबेट चल रही है, और मुझे लगता है कि पिछले हम वर्ल्ड कप भी देख लें, एक मिडल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर तो होना चाहिए, बाएं हाथ का बल्लेबाज आपको चाहिए। तो आईपीएल में नजर थी कई प्लेयर्स पे, ऋषभ पंत पे तो थी, उसके अलावा लेफ्ट हैंडर था ईशान किशन, नितेश राणा, युवराज सिंह सीनियर प्लेयर्स, सुरेश रैना, लेकिन कोई भी कंसिस्टेंट नहीं दिखा। इवन कि ऋषभ पंत भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है पंत को ही एक लेफ्ट हैंडर तो रखना ही है, अगर कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उन्हीं में से आपको एक खिलाड़ी तो चुनना होगा। मुझे लग रहा है ऋषभ पंत नंबर 4 के लिए एक बैलेंस रहता है, अगर लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर होगा तो ऑपोजिशन है ना, उनके बॉलर्स को परेशानी होती है, तो एक लेफ्ट हैंडर तो जरूर रखना चाहेंगे। पिछले वर्ल्ड कप देख लें, सुरेश रैना था 2015 में, 11 में युवराज सिंह थे मिडल ऑर्डर में, 2007 में भी युवराज सिंह थे, तो एक लेफ्ट हैंडर बहुत जरूरी चाहिए, मुझे ऋषभ पंत लगते हैं। नंबर 5 पर मुझे लगता है धोनी आएंगे, उसके बाद नंबर 6 और 7 पर, 6 पर केदार यादव या फिर दिनेश कार्तिक, इन दोनों में टक्कर रहेगी। 15 में तो दोनों रहेंगे, मुझे लगता है दिनेश कार्तिक भी होंगे, केदार यादव भी होंगे। उसके अलावा नंबर 7 पर विजय शंकर और हार्दिक पांड्या, ये दोनों ऑलराउंडर्स मुझे लगता है लेके जाया जाएगा इनको, क्योंकि मीडियम पेसर्स है, इंग्लैंड कंडीशंस में आपको सीम गेंदबाज चाहिए जो बैटिंग भी कर लेते हो, तो इन दोनों की तो मुझे लगता है पक्का है, तो ये हो गए 9 खिलाड़ी। उसके बाद हम बॉलर्स पे आ जाएं तो भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ये 3 मुझे लगता है तेज गेंदबाज तो जाएंगे जाएंगे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज भी हो सकते हैं, दीपक चहर, जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, उनको लेके जा सकते हैं। और उसके बाद स्पिनर्स की बात करें तो कुलचा की जोड़ी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, ये जाएंगे। तो ये मेरी 15 है, और रिजर्व में मैं रखना चाहता हूँ 11 के बाहर। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर अगर बात कर लें तो मैंने कहा था दिनेश कार्तिक या केदार यादव, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में इनमें से एक को खिलाया जाएगा, एक को बाहर बैठना पड़ेगा। उसके बाद हम ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, इनमें से एक को ही फाइनल 11 में खिलाया जाएगा। और बात कर लें हम नंबर 4 की, तो उसमें तो ऋषभ पंत खेल रहे हैं, लेकिन रिजर्व ओपनर की बात करें तो केएल राहुल, मुझे लगता है शुरुआत में उनको चांस नहीं मिलेगा, उनको बाहर बैठना पड़ेगा। तो प्लेइंग 11 में अभी केएल राहुल और इसके अलावा दीपक चहर मुझे लगता है, और उसके अलावा जो ऑलराउंडर्स मैंने बात की, विजय शंकर और केदार यादव या दिनेश कार्तिक, इन चारों में को बाहर बैठना पड़ सकता है। 15 में तो होंगे लेकिन प्लेइंग 11 में अब मैं 4 खिलाड़ी फाइनल बता देता हूँ जो मुझे लगता है नहीं शामिल होंगे इनिशियली। उसमें होंगे विजय शंकर, केदार यादव, केएल राहुल और दीपक चहर, ये 4 बाहर बैठेंगे। तो आपने काफी बेहतरीन लिस्ट बताई और आप काफी पॉजिटिव है कि आपके प्लेइंग 11 कौन होगा। आप इतने पॉजिटिव, आपको लगता नहीं ऋषभ पंत शायद एक्स्ट्रा में हो सकते हैं, शायद उनकी जगह एक्स्ट्रा में नहीं, मुझे लगता है कि पक्का एक लेफ्ट हैंडर तो उनको रखना ही पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर, क्योंकि आपके सारे दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो लेफ्ट हैंडर है ही नहीं, कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज ही नहीं है, एक बल्लेबाज तो चाहिए ना बैलेंस रखना आपको टीम में। तो ऋषभ पंत मुझे लगता है रेगुलरली खेलेंगे, हाँ ये परफॉर्म ना करें लगातार 3-4 मैच में फिर सोच सकती है टीम कोई और ऑल्टरनेटिव, लेकिन अभी मुझे लगता है पंत ही खेलेंगे मिडिल ऑर्डर। आपने केएल राहुल का नाम ले लिया क्योंकि फिलहाल मैंने बोला उनको रखा जाएगा, लेकिन प्लेइंग 11 में उनकी जगह इसलिए नहीं बनती क्योंकि उनको एज एन ओपनर खिलाएंगे, ओपनर ही खेलते हैं। ओपनर आपका रोहित शर्मा, शिखर धवन ऑलरेडी है, गब्बर बहुत अच्छी फॉर्म में, अभी 97 बनाए उन्होंने कुछ मैचेस पहले, और रोहित शर्मा तो वैसे ही जबरदस्त खिलाड़ी, उनको हिटमैन को तो बाहर निकाल नहीं सकते। तो नंबर 4 पे तो केएल राहुल
मुझे नहीं लगता एज अ नंबर फोर पोजीशन उनको रखा जाएगा। तो एज अ रिजर्व ओपनर अगर रोहित शर्मा और शिखर धवन लगातार इनमें से एक अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा उनकी जगह लाया जा सकता है केएल राहुल को, 15 में तो होंगे वो। चलिए आप बताइए सोनम, आपको क्या लगता है आपकी कौन प्लेइंग 11 होंगे? जैसा कि शिवम और अनिशा ने बताया कि स्टार्टिंग में ओपनर बल्लेबाजी करने रोहित शर्मा और शिखर धवन उतरेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग भी स्टार्टिंग बल्लेबाजी वही करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे विराट कोहली और फोर्थ नंबर पे एमएस धोनी। अगर मैं ऑलराउंडर्स को देखूं तो वर्ल्ड कप की टीम में हार्दिक पांड्या, विजय शंकर और उमेश यादव ऑलराउंडर्स में होंगे, और बॉलर्स में मुझे लगता है चहल, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव बॉलिंग में होंगे। ये है मेरी प्लेइंग 11। सो पंकज आप बताइए आपकी प्लेइंग 11 कौन होगी? जैसा सभी ने पहले निशा जी ने बताया था कि ओपनिंग करने आएंगे शिखर धवन और रोहित शर्मा, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा एमएस धोनी से जिन्होंने 2011 का भी वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और ऋषभ पंत मेरे को लगते हैं ये बैट्समैन आएंगे, और बॉलिंग में रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, विजय शंकर और चहल ये बॉलिंग में रहेंगे। एक्स्ट्रा में लगता है हार्दिक पांड्या, केदार यादव, मोहम्मद शमी और रहाणे हो सकते हैं। तो आपने प्लेइंग 15 बताया कि प्लेइंग 11 कौन है, आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा में आपने बोल दिया चार रहेंगे, तो कौन आपको क्या लगता है ऋषभ पंत शुड बी चोजन और दिनेश कार्तिक को चूज करना चाहिए, कौन चूज करना चाहिए? ऋषभ पंत ही रहेंगे। आपके लिए तो यंगस्टर जो एक है फॉर्मेट वर्ल्ड कप जैसे फॉर्मेट में 4 साल में आता है, बट जैसे उनका परफॉर्म रहा है ऋषभ पंत का इतना अच्छे आईपीएल में भी काफी अच्छा खेल रहा है, तो उसको देख के लगता है कि वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत जरूर खेलेगा। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे इंडिविजुअल प्लेइंग 15 और प्लेइंग 11, और मैं अपने बताना चाहूंगी प्लेइंग 11 या फिर प्लेइंग 15। अगर मैं शुरुआत करूं तो मुझे लगता है रोहित शर्मा और शिखर धवन जो कि बहुत बेहतरीन ओपनर्स माने जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, वही सबसे बेस्ट माने जाएंगे। उसके अलावा विराट कोहली जो कि कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज मान जाते हैं, फिर दिनेश कार्तिक को मैं चूज कर रही हूं इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत, फिर केदार जाव जो कि बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है, उसके अलावा हार्दिक पांड्या जिन पे खुद विराट कोहली काफी ज्यादा निर्भर करते, काफी ज्यादा उन पे उम्मीदें करते क्योंकि बहुत अच्छे बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी, और उन्होंने ये आईपीएल में शो भी किया है। उसके बाद एमएस धोनी जो कि उनके बिना कोई कैसे वर्ल्ड कप जा सकता है आप और मैं बस सोच ही सकते हैं उसके बारे में, फिर जसप्रीत बुमराह जो कि बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलर है, फिर मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और चहल की जोड़ी अगर साथ में नहीं गई तो फिर हमको बहुत ही निराशा देखने को मिलेगी। तो ये है मेरी प्लेइंग 11, और जो चार मुझे लगता है जो कभी कभी खेल सकते हैं इंडिया के लिए वो है विजय शंकर, जडेजा, भुवनेश्वर कुमार और केएल राहुल।